तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए। सो पहले यहाँ पे जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है आपका एक्सरसाइज 8.1। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी पर जो राइट एंगल है वो है बी पर। सो ए बी के ऊपर है राइट एंगल और सी, सो बी के ऊपर है राइट एंगल, ऐसा हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। सो ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो अब हमको डिटरमाइन करना है, यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन आपके पास साइन ए और कॉस ए। तो पहला क्वेश्चन पहला का पहला पार्ट है उसमें है साइन ए और कॉस ए का क्या वैल्यू होगा, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि साइन सी और कॉस सी का क्या वैल्यू होगा। तो साइन सी एंड कॉस सी यही हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो साइड हमको मालूम है, एक 24 सेंटीमीटर दूसरा 7 सेंटीमीटर। हम इससे पहले तीसरा साइड को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमको पहले चाहिएगा एसी साइड का लेंथ क्या। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ए सी का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये जो तीसरा साइड है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया मेरे पास बी सी का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम कर देंगे। अब इसको हम ये करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, हम देखते हैं कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, दैट मीन्स दिस विल बी 625 और इसका वैल्यू क्या हो गया 25। सो हमको तीसरा साइड मिल गया, तीसरा साइड क्या है 25 सेंटीमीटर। तो अब तीन साइड मिल गए हमको, अब रिलेशंस ढूंढने हैं, हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो पता करना है। और वो कौन कौन सा रेशियो, तो साइन के लिए साइन ए। तो साइन ए जब हमको पता करना है तो हमने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो अगर ए बोला तो हम इस एंगल को लिए, तो ए के ठीक जिस एंगल को हम देते हैं उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और जिस पर ये एंगल टिका है वो हो जाता है उसका बेस। सो यहाँ पे अगर हम ए के लेते हैं फॉर एंगल एंगल ए क्या होगा, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे परपेंडिकुलर जो है उसका ठीक सामने का पार्ट परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा इसका, तो बेस हो गया इसका 24 सेंटीमीटर। और ये जो स्लैंट लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये है 25 सेंटीमीटर। अब हमको इन दोनों रिलेशंस को पता करना है। तो यहाँ पे रिलेशंस में क्या हो गया, साइन ए मीन्स क्या, साइन ए का वैल्यू क्या होगा पी बाई एच, और पी कितना है यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बाई 25 ये हो गया रेशियो। दूसरा जो मेरे पास है वो क्या है, कॉस ए, कॉस ए है, कॉस के लिए क्या हो गया, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है मेरा बी बाई एच। सो यहाँ क्या होगा, तो बी है मेरे पास कितना, यहाँ पे बी है मेरे पास 24 बाई 25। सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए अगर हम देखते हैं क्या होगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमको सी चाहिए इस पर,
साइन कौन जो एंगल है वो सी है, तो इस बार हमको इस एंगल को हटा देना है, इस बार एंगल चाहिए हमको सी। तो सी के ठीक सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और जिस पे वो टिका होता है हम उसको बोलते हैं उसका फेस। तो फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी क्या होगा, तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो गया, पी इज इक्वल टू सी के ठीक सामने वाला जो होता है वो पी, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। और बी क्या हो गया यहाँ पे, बी जो है जिस पर वो टिका होता है वो 7 सेंटीमीटर हो गया। एंड एच जो है वो ऑलरेडी वही है जो मेरे पास पहले से, हम जिसको ये करके जो स्लैंट लाइन होता है, जो सबसे बड़ा लाइन होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं। सो ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, साइन सी। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, साइन सी दैट मीन्स सी, साइन सी के लिए क्या है फॉर्मूला, मतलब तो जो भी है साइन के लिए फॉर्मूला है वो है पी बाई एच। तो पी कितना है मेरे पास, 24, एच कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा इस रेशियो का वैल्यू। और उसी तरह से कॉस ए का वैल्यू, सॉरी कॉस सी है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी गलती से यहाँ कर दिए। तो कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी मतलब बी बाई एच, और यहाँ बी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये एच क्या है 25 सेंटीमीटर। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमको इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक फिगर है, फिगर है 8.13। 8.13 में क्या दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर में इसमें पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो है सॉरी पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। और इस क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या कि यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो है टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे क्या कि हम पता करते हैं क्यू आर का क्या मतलब है, क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, क्यू आर का वैल्यू। सो क्यू आर क्या है, सो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे पहला जो हमें पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो अगर हम क्यू आर का स्क्वायर चाहते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, और नहीं तो हम पहले लिख ही देते हैं कि क्या है। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो हमको चाहिए यहाँ पे क्यू आर, ये दोनों तो हमको मालूम है, तो क्यू आर को हम इधर कर दिए। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और क्यू आर जस्ट हमको चाहिए, क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे रूट टू में दे दिए इसको। सो अब क्या हो गया वैल्यू, पी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू डालते हैं। सो हम जान देखते हैं क्या, पी आर का स्क्वायर क्या होगा, मतलब वो होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सो अब देखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, सो 169 माइनस 144 एंड दैट इज 25। सो क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर का वैल्यू हो गया जस्ट 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो है क्यू आर का वैल्यू जो है हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड आउट करते हैं टेन पी, टेन पी का वैल्यू क्या होगा। तो पी और क्यू आर दो एंगल्स हैं मेरे पास, तो पहला के लिए पी एंगल है, दूसरे के लिए आर एंगल है। तो पहला पी एंगल वाला के लिए देखते हैं, सो पाई एंगल पी के लिए। सो फोर एंगल पी, एंगल पी के लिए क्या हो गया, तो अब देखिएगा एंगल पी के लिए सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स पी इक्वल्स टू ये कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। सो पी हो गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरा जो हमको चाहिए यहाँ पे क्या, पी परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास, बेस क्या हो गया मेरे पास, इसके लिए जो बेस होगा वो है क्यू पी क्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर। बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। और तीसरा क्या है मेरे पास, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं वैल्यू टेन पी का, तो टेन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टेन पी, टेन के लिए फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी दैट मीन्स पी बाई बी। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 5,
और बी का वैल्यू है 12। सो ये हो गया क्या मेरे पास टेन पी का वैल्यू। अब हमको दूसरा चाहिए क्या, यहाँ पे कॉट आर चाहिए, कॉट आर मतलब दूसरा एंगल चाहिए इस बार, ये पी वाला एंगल नहीं बल्कि क्या चाहिए हमको आर का एंगल चाहिए। सो ये एंगल चाहिए, सो टेन आर हमको चाहिए, सॉरी कॉट आर चाहिए। तो अब दूसरा एंगल है तो हम दूसरा एंगल के लिए लिखते हैं क्या, फोर एंगल आर क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू क्या हो गया तो इसके सामने का, दैट मीन्स 12, पी जो हो गया वो 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका बेस क्या हो गया, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है इसका तो 13 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम इस एंगल के रेफरेंस में हम देखते हैं कि ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अभी हम निकाल लेते हैं। सो हमको चाहिए कॉट आर, कॉट आर। सो कॉट आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉट के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास बी बाई पी। सो बी बाई पी यहाँ पे यूज करेंगे। सो बी कितना है तो आप देखिए यहाँ बी क्या है 5 और पी कितना है तो 12 है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये दोनों लगभग बराबर एक ही जैसा है, बराबर होगा। फिर चलिए देखिए, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए देखिए आप tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। सो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में जो आंसर है वो 0 आता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए का वैल्यू चाहिए अगर ये हमको साइन ए का वैल्यू मालूम है तो। यहाँ पे साइन ए का यूज करना है, मेरे पास जो रिलेशन है, मेरे पास वही रिलेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करते हुए उसी का ही इस्तेमाल करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है साइन ए, साइन ए के बारे में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये 3/4 है। सो हम जानते हैं साइन का रिलेशन किन किन के साथ होता है, तो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ। ये फॉर्मूला ये इसके लिए होता है, जो रेशियो है वो है पी बाई एच। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 3/4 मतलब पी बाई एच। सो यहाँ पे सिंपली हम निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू। सो पी बाई एच का मतलब क्या हो गया, अगर हम एक कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं तो 3/4 के 3k/4k इसको ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरे से यहाँ पे निकल गया p इक्वल्स टू 3k एंड h इक्वल्स टू 4k, ऐसा कुछ वैल्यू निकल गया। ये कॉन्स्टेंट लेके एग्जैक्ट हम 3 और 4 नहीं ले सकते, दोनों रेशियो है तो उनके साथ कुछ भी एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे से हम आगे देखते हैं, तो हमको p और h मालूम हो गया, हमको एक और चाहिए, तीन चीज है मेरे पास एक ट्राइंगल में, हम तीन चीज की बात करते हैं, क्या क्या है मेरे पास, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा है हाइपोटेनस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, बेस का जरूरत है। तो बेस हम कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम देखते क्या है पाइथागोरस थ्योरम बोलता है क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमको यहाँ पे एच और पी मालूम है तो हमको बी चाहिए, तो बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी इक्वल्स टू क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं बी का क्या वैल्यू होगा। सो बी का वैल्यू क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा तो 4k है मेरे पास h का वैल्यू, तो 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। और अब देखिएगा इसका वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, 16k स्क्वायर माइनस 3×9k स्क्वायर और प्लस 7k स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू जो है वो क्या है √7k, ठीक है। सो हमको b का वैल्यू मिल गया, तो हमको जो चाहिए था क्या क्या p b a h ये तीनों हमको मिल गया, p b h हमको मिल गया। अब हमको चाहिए यहाँ से क्या, हमको चाहिए cos और tan, तो cos a इक्वल्स टू क्या होगा
पास ए इज इक्वल टू, जो मेरे पास फॉर्मूला है क्या है, बी बाई एच, और बी की जगह पे है रूट सेवन के बाई एच, एच मीन्स क्या है यहाँ पे फोर के, सो के की कैंसल, बच गया मेरे पास क्या रूट सेवन बाई फोर, ये हो गया मेरा कॉस ए का वैल्यू। और दूसरा जो हमको चाहिए वो क्या है, वो है टेन ए का वैल्यू, सो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अगेन टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पी बाई बी, सो पी कितना है यहाँ पे, पी है मेरे पास थ्री के, और बी कितना अभी आया, ये है सेवन के, रूट सेवन के, रूट सेवन के, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये जो रेशियो मेरे पास फाइन दिया है वो क्या है, थ्री बाई रूट सेवन, थ्री बाई रूट सेवन। और हम इसको अगर चाहें तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, जरूरत पड़ा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जैसे ये भी आंसर सही है, और अगर रैशनलाइजेशन का जरूरत पड़ा तो थ्री बाई रूट सेवन, इसको रूट सेवन से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या हो जाएगा, ये थ्री रूट सेवन हो जाएगा, और नीचे रूट सेवन जस्ट सेवन, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थ्री कर सकते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है, हमको अगर किसी एक का रेशियो दिया हुआ तो उसके थ्रू हम और भी पांच रेशियोज जो है पढ़े हम लोग की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो छह रेशियो, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक एंड कॉट। तो अगर हमको कोई भी एक रेशियो पता है, कोई भी एक रेशियो, चाहे साइन का हो कॉस का हो टैन का, किसी का भी एक पता है, तो बाकी सारे रेशियोज को, बाकी पांच रेशियोज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर जो है वो कहता है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो फाइंड आउट sin a और sec। तो यहाँ फिर से हमको cot a का ये दिया हुआ है, या 15 cot a का वैल्यू दिया हुआ, तो हमको क्या है उससे cot a का वैल्यू निकालना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लिखे क्या, 15 cot a इज इक्वल टू 8, ऐसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकाल देते हैं, cot a इज इक्वल टू क्या होगा, 8 बाई 15। अब यहाँ से जो हमको पिछला क्वेश्चन में किए थे, सेम वही काम हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, कि हमको एक रेशियो पता है, तो बाकी जितना भी पांच रेशियो बचा है, उन सारे रेशियोज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रेशियो हमको मिल गया है, बाकी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ क्या हो गया हमको, ये मालूम cot a, cot a मीन्स क्या हो गया, cot के लिए जो फॉर्मूला होता है cot theta equals to क्या होता है, b by p, so b by p, that means अगर हम इसको देखें तो b by p का जो वैल्यू है वो क्या है, 8k और 15k है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या है, यहाँ से हम आसानी से h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h का वैल्यू जो है वो निकाला जा सकता है। सो कैसे निकालेंगे, हम पहले h का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग, क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब हम वैल्यू डाल देते हैं, सो पी के जगह पे मेरे पास क्या है वैल्यू, 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये लिखेंगे पी 8 के बी इक्वल्स टू 8 के एंड पी इक्वल्स टू 15 के, ये है मेरे पास। हम एच का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से देखते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 25k प्लस 64k स्क्वायर, और हम इसको जब ये मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये आता है क्या, 289k स्क्वायर, और अब इसको हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 17k का स्क्वायर होता है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 17k। अब आगे का जो बेस है मेरे पास, दो ये रेशियोज बचे हुए हैं, हम लिख देंगे, तो साइन ए के लिए क्या हो गया, और अगर सिंपली हम बोले कि क्या क्या हो गया मेरे पास, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हो गया मेरे पास 15k, बी का वैल्यू 8k, एंड एच का वैल्यू हम अभी निकाले हैं और वो है 17k, ठीक है। सो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू
बाई एच, और पी है 15 के, बाई एच है मेरा 17 के, सो 15 बाई 17 मेरा पहला आंसर। दूसरा जो है मेरे पास सेक ए, सेक ए का वैल्यू चाहिए था, सेक ए का वैल्यू क्या हो गया, बी बाई सॉरी एच बाई बी, क्या हो गया एच के वैल्यू में, एच के जगह पे 17 बाई 17 के बाई बी की जगह क्या है मेरे पास 8 के, 17 बाई 8। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।